राजस्थान में पारा दिन के अलावा रात में भी उबल रहा है। आसमान से बरसते अंगारों से आम जन पस्त है और आसमानी आफत ने दिन के अलावा रात में भी चैन और सुकून छीन लिया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले दो दिन और प्रदेश भर में लू और गर्मी का तांडव जारी रहेगा। हालांकि 29 मई से पारे में आंशिक गिरावट होने और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश में तीव्र हीट वेव का दौर आगामी दो तीन दिन जारी रहने की संभावना है। हालांकि 29 मई से प्रदेश के कुछ इलाकों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। वहीं जून के प्रथम सप्ताह में ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने के आसार भी जताए गए हैं। अगले 3 दिन के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। भीषण लू के दौर के चलते मौसम केंद्र ने आज और कल 16 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, पाली, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर जिले में 2 दिन लू और भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की चेतावनी दी गई है। जयपुर समेत शेष जिलों में गर्मी को लेकर 2 दिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हाड़ौती अंचल में भयंकर गर्मी का दौर रहा और कोटा जिले में रात में पारा 3.4 डिग्री उछलकर सर्वाधिक 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर में भी पारा 1.6 डिग्री बढ़कर 33.6 डिग्री रात के समय रहा। जोधपुर में न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात अजमेर में 33.1, भीलवाड़ा में 30.4, अलवर में 29.8, पिलानी में 28.2, सीकर में 27, चित्तौड़गढ़ में 31.2, डबोक में 30, धौलपुर में 29.3, डूंगरपुर में 30.7, सिरोही में 26.3, करौली में 28.7, माउंट आबू में 26, बाड़मेर में 32, जैसलमेर में 30, बीकानेर में 31.4, चूरू में 30, श्रीगंगानगर में 30.6, संगरिया में 27.4, जालौर में पारा 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।